भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा द्वारा फुसरो में मनाया गया संविधान गौरव दिवस। भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा द्वारा फुसरो में संविधान गौरव दिवस मनाया। इस दौरान बाबा भीमराव अंबेडकर के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम फुसरो अनुसूचित जाति मोर्चा के मंडल अध्यक्ष चंद्र राम के नेतृत्व में किया गया। संविधान गौरव दिवस अभियान पर पुराना वीडियो ऑफिस से फुसरो निर्मल महतो चौक तक जुलूस निकाला गया, जिसके बाद फुसरो के राजेंद्र स्मृति भवन में भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पूर्व विधायक योगेश्वर महतो बाटुल ने कहा कि हर भारतीय के लिए 26 नवंबर का दिन खास अहमियत रखता है। 1949 में आज ही के दिन संविधान सभा ने मौजूदा संविधान को अपनाया था। इसे पूरा करने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ। देश 26 नवंबर को संविधान दिवस के तौर पर मनाया जाता है। संविधान दिवस मनाने की शुरुआत 2015 में हुई थी। 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा की आखिरी बैठक थी। इसमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने समापन भाषण दिया था। उन्होंने कई चुनौतियों का जिक्र किया था। अम्बेडकर ने इसमें आर्थिक और सामाजिक असमानता पर मसला उठाया था। वहीं संविधान दिवस के अवसर पर भाजपा फुसरो मंडल अध्यक्ष दिनेश यादव ने गरीब लोगों के बीच मिठाई बांटी। कार्यक्रम में मुख्य रूप से पूर्व विधायक योगेश्वर महतो बाटुल, भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा बोकारो जिला अध्यक्ष फटीर चंद्रदास, भाजपा महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष गिरजा देवी कट, भाजपा महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष गिरजा देवी, भाजपा जिला उपाध्यक्ष अर्चना सिंह, भाजपा नेत्री डॉक्टर ऊषा सिंह, प्रकाश कुमार सिंह, भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष विनोद कुमार महतो, भारतीय जनता युवा मोर्चा फुसरो नगर अध्यक्ष सुमित सिंह, भाजपा फुसरो मंडल अध्यक्ष दिनेश यादव सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। बोकारो बेरमो से प्रदीप कुमार की रिपोर्ट। आज संविधान दिवस का दिन है। हम लोग पूरे भारत वर्ष के लिए गौरव का दिन है। हम लोग जब 15 अगस्त को आजाद हुए थे तो हम लोग पूरी तरह से अपने संविधान पर नहीं चल रहे थे, अंग्रेजों के संविधान पर चल रहे थे। जब हम लोग 1949 में हमारा संविधान हमारे सुपुर्द हुआ, तब से हम लोग अपने संविधान के हिसाब से चल रहे हैं और हम लोग अपने कर्तव्यों को समझ रहे हैं। जो संविधान हमारे लिए बनाया गया है वो प्रधानमंत्री के लिए भी वही है और हम आम नागरिकों के लिए भी वही है। उषा सिंह, मैं यहाँ पर गांधी किलोमीटर हूँ और अभी भाजपा में नेत्री हूँ। आज के तारीख को 1949 में संविधान बन करके हमारा तैयार हो गया था और आज भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ये संविधान इस देश के नाम सुपुर्द किया था और जिसको हम भारतवासी इसको अंगीकार किए थे। आज उसी संविधान के आधार पर यह देश हमारा दिन प्रतिदिन समृद्धि की ओर, प्रगति की ओर, विकासशील भारत की ओर हम प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। संविधान आज के दिन हम यही संदेश कहना चाहेंगे कि हर व्यक्ति का दायित्व है हमने अपने संविधान का अनुपालन करें, उसके अनुकूल आचरण करें और बताए हुए मार्ग, जो संविधान में हमारा मार्ग बताया है, उस मार्ग पे चल करके हम अपना संघर्षशील होते हुए अपने जीवन को भी तराशते हुए और हम काम करें। और सबसे बड़ा एक संदेश डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिया था कि पढ़ो, संघर्ष करो और अपने अधिकार के लिए लड़ो, ये उनका मूल मंत्र है। निश्चित रूप से आज बहुत बड़ा देन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कि जिस संविधान की हम शपथ लेकर के इस देश के नागरिक, देश को चलाने का जो हम काम कर रहे हैं, जो भी जनप्रतिनिधि हैं, निश्चित रूप से उनका दायित्व है कि वो भी अनुपालन कर करके इस काम को आगे बढ़ा। अपना परिचय। मेरा नाम योगेश्वर महतो, पूर्व विधायक बेरमो,